स्वागतम पिला माने पिला माने तमे माने केमिति अछो निज निज घरे आशा करछि तुमे माने निज निज घरे पूरा सुस्थ एवं बहुत खुशी रे थिबो एवं मु हेउछि विनायक शिक्षा मंदिर रो सहकारी शिक्षयत्री एवं प्रथम श्रेणी रो श्रेणी शिक्षयत्री अटे। पिला माने आज आमे आम भाषा आम साहित्य रो पाठ 21 पढ़िबा। यही पाठ रे आज आम जीव फला मात्रा टे सिखिबा। तो चलो जीवा एबे पाठ को जीव फला। तो पिला माने वर्तमान मु जेमिति उच्चारण करी तुम्हें माने मध्य मो सहित से ही परे उच्चारण कर। करे हलंत युक्त जीव समाने कियो। खरे हलंत युक्त जीव समाने खियो। गरे हलंत युक्त जीव समाने गियो। आसो जीव फला देबा अर्थ पिला माने मु जेमिति वर्तमान उच्चारण कली तुम्हें माने मध्य क ठारु खियो पर्यंत जीव फला मात्रा लगाई बारंबार उच्चारण कर एवं ताहाकु अभ्यास कर। वर्तमान आमे जीव फला लगाई किछि नूतन शब्द गढ़िबा। बाद्य विद्यालय। आसो शब्द गढ़िबा। बन्या कन्या खाद्य समस्या व्यायाम अभ्यास साहाज्य बाल्यकाल व्याकरण आवश्यक। तो वर्तमान आमे एही जीव फला मात्रा लगाई किछि वाक्य गढ़िबा। आसो वाक्य गढ़िबा। सत्यानंद आम विद्यालय रे अध्ययन करे। से पाठ बहीर सबु गद्य पद्य को अभ्यास कर सारी। से अजथारे समय व्यय करे नाही। विद्यालय रु फेरी सत्यानंद सबुदिन व्यायाम करे। ताबला धरी वाद्य बजाए। सांग मानकु से साहाज्य करी सेमानंकर समस्या दूर करे। करिबा विद्या अध्ययन गुरुंक कथा तेई ध्यान। तो पिला माने एही वाक्य गुड़ी को तुम्हें माने मध्य अभ्यास कर एवं मने रख। यह सहित तो आज आम एही जीव फला मात्रा लगाई एक सुंदर गपटिए पढ़िबा एवं ताहाकु अभ्यास करिबा। तो चलो वर्तमान जीवा एही गप को। तो पिला माने आमे एबे पढ़िबा एक सुंदर गपटिए। आसो गप शुणिबा। कुनी झियो अनन्या। आज आम गोटे छोटिया कुनी झियो विषय पढ़िबा। तुम मानक पढ़ी से देख के कुनिटीए। एठार एक सुंदर पिक्चर टी अच्छी देख। एठार गोटे बस अच्छी एवं से ही कुनी झियो अनन्या अच्छी तहार बापा अच्छा। मुंड उपरे सूर्य टाण खरा भारी गरम। अथ पिला माने सूर्य केतेबेले मुंड उपरे थांती मुख्यतः दुई पर समय रे। से समय रे बहुत जोरे खरा होइथाय बहुत टाण खरा होइथाय आउ से समय रे बहुत जोरे गरम मध्य होइथाय। एही कुनी झियोटी ता बापांक अपेक्षा करिथाय। एणु से ही खरा को खाती न करी धैर्यर सहित सेठारे अपेक्षा करिथाय। काहाकू तार बापा को। किछि समय गला कवि सूर्यनगर रु आसीथिबा बस अटकी गला। अछ किछि समय से ही खरा रे ठिया हला एवं तापर कोन होइतला कोठारु बस टी आसीथिला कवि सूर्यनगर रु आसीथिबा बस टी अनन्या अपेक्षा करिथिबा स्थान रे अटकी गला एवं तार बापा से ही बस रु ओल्हाई आसीला एवं अनन्या कोन कहिला बापा बापा मु एठी मते बैगटा दियो मो पई जामिति बही आनिछ त। बापा कहले हाँ हाँ आनी कुनी झीव पर आनबिनि। अथ से बापा को जेहेतु एत दूर रु आसुचे से बापा को बहुत भल पाए मुख्यतः पिला माने बापा माँ को बहुत भल पाती। तुम्हें मैंने भी भल पाच ना तुम बापा माँ को। हाँ आम सब बेले आम बापा माँ को भल पाइबा एवं से मैंने जहाँ कहे समस्त कार्य करवा। से कुनी झीव अनन्या बापा को बहुत भल पाए। से जमी देखी बापा बस रु ओई आसी से सांगे सांगे दौड़ी दौड़ी पलैसी एवं कही बापा मुठार एठार अच्छी तुम्हें तुम बैग टी मत दि मुरिक नेबी। यह सहित आउ कौन जान ले देख अनन्या कौन पचारे बापा जमी तो बही आनीच तो। अथ अनन्यार पाठपढ़ बहुत आग्रह से बापा को कही
ମୋ ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏକ ଜ୍ୟାମିତି ବହି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିବ। ତା ବାପା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯେ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ଆଉ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଆମର ପାଠପଢ଼ାରେ ଥିବା ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ସବୁବେଳେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନନ୍ୟାର ବାପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାମିତି ବହି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ୟା ପଚାରିଛି ଯେ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଜ୍ୟାମିତି ବହି ଆଣିଛ ତ, ସେଥିପାଇଁ ତା ବାପା କ'ଣ କହିଥିଲେ, ହଁ ମୁଁ ମୋର କୁନି ଝିଅ ପାଇଁ ଆଣିବିନି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିବିନି ତ କାହା ପାଇଁ ଆଣିବି। ତ ପିଲାମାନେ ବିଷୟଟି ବୁଝିପାରିଲ, ଆଶା କରୁଛି ବିଷୟଟି ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟର ପାଠ 21ରେ ଜିଓଫଳା ମାତ୍ରା ଲଗାଇବା ଶିଖିଲେ ଏବଂ ତାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଏହା ସହିତ କିଛି ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ କିଛି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏହି ଗପରେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ଯେ କେବେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟହର ହେବା ନାହିଁ, କେବେ ବି ତରତର ହେବା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ହୋଇକି ଆମେ କାମ କରିବା, ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସବୁବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କର୍ମ କରିବା, କର୍ମ କରିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ସଫଳ ହେବା। ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ ଗୃହକର୍ମ ହେଉଛି ଏହି ଜିଓଫଳା ମାତ୍ରା ଲଗାଇ କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କର ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଏହା ସହିତ ଜିଓଫଳା ମାତ୍ରା ଲଗାଇ କିଛି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ି ମନେ ରଖ। ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟତମ ଗୃହକର୍ମ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପୃଷ୍ଠା 66ରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ କର। ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସମୟ ଧରି ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।